हेलो दोस्तों, बेटर माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आज रोज की भांति जो मैं वीडियो डालता हूं उसी की तरह आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आज आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप समझिए जो यूनिक क्वेश्चन है और ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है। तो ये बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट आप सबको याद होनी चाहिए। तो बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो एमकेएस प्रणाली होती है या मीट्रिक सिस्टम जो रहता है, एक होता है एफकेएस सिस्टम जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। तो जो मीट्रिक सिस्टम में हमारी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट होती है बर्नियर कैलिपर की, वो 0.02 mm होती है। और ब्रिटिश प्रणाली में जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.001 inch होती है। तो दोस्तों ये रीडिंग हमें याद करनी है, लेकिन ये रीडिंग हम कैसे निकालते हैं और कैसे खाने करते हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट हम निकालते हैं उसके निकालने का जो सूत्र होता है मैं लिख रहा हूँ। लिस्ट काउंट का जो सूत्र होता है 1 minus MSDN/VSDN (main scale) के एक खाने का मान, जो हमें साइड में गुणा करना है वो मेन स्केल के एक खाने के मान का गुणा करना है। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये जो लिस्ट काउंट मैंने लिखी है ये तो जो लिखी गई है लिस्ट काउंट, ये स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट है। इस लिस्ट काउंट को आपको याद करना पड़ेगा 0.02 mm और 0.001 inch। लेकिन ये जो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा क्योंकि आज के समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में क्या है खानों की संख्या में वो चेंज कर दे रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, कभी मेन स्केल और बर्नियर स्केल के खानों की संख्या में परिवर्तन कर देंगे और कभी मेन स्केल के खाने की संख्या में परिवर्तन कर देंगे। तो कैसे, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं और आपको ध्यान से समझना है। एम एस डी एन का मतलब है मेन स्केल डिवीजन के नंबर, एम लिखा है स्मॉल। वी एस डी एन का मतलब है बर्नियर स्केल डिवीजन, एन एन मतलब नंबर, यानी बर्नियर स्केल के खानों की संख्या। तो जो एनसीएल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि 49 मेन खानों को 50 बर्नियर खानों में बांटा गया है। तो हम कैसे वैल्यू रखेंगे, 1 minus 49 मेन खानों को 50 बर्नियर खानों में बांटा गया है। तो मैंने बांट दिया है, लेकिन उसमें जो मेन स्केल के एक खाने का मान दिया गया था दोस्त, वो मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो एनसीएल के एग्जाम में किसी अन्य एग्जाम में दिया गया था वो ये दिया गया था कि मेन स्केल के एक खाने का मान 0.5 mm होता है। जो उसने एग्जाम में बोला था होता 1 mm है, लेकिन उसने अपनी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया था वो 0.5 mm बनाया था कि मेन स्केल के कारण। अब जो ये वैल्यू नहीं रखेंगे उनका जो लिस्ट काउंट हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। हम उसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 50 एकम 50 और 50 में से 49 चले जाएंगे तो हमारा बचेगा 1/50 और 1/50 में 0.5 के साइड में गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 0.01 mm। अब दोस्त आप ये कहोगे कि बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट तो 0.02 mm होती है, पर ये 0.01 mm कैसे आया। तो दोस्त इसने जो खानों की संख्या 49 के 50 ही की है, लेकिन मेन स्केल के एक खाने का मान इसने क्या कर दिया, 0.5 mm कर दिया है एग्जाम के लिए। लेकिन कभी 1 mm भी आएगा तो हम इधर 1 का गुणा कर देंगे, कभी इसका जो मेन स्केल के खाने का मान कभी 0.25 mm आएगा तो हम 0.25 mm का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से जब हमारा कोई भी क्वेश्चन चेंज होके आता है तो हम इस जो फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे कभी एग्जाम में आ जाए कि 19 मेन स्केल को 20 बर्नियर स्केलों में बांटा गया है और मेन स्केल के एक खाने का मान जो है वो 1 mm है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं फटाफट इसको बता देता हूँ। 1 minus 19/20, क्योंकि हमने 19 मेन स्केल को 20 बर्नियर स्केलों में बांटा और मेन स्केल के एक खाने का मान जो 1 mm है, तो साइड हम 1 का गुणा करेंगे। यदि 0.5 होगा तो हम 0.5 का गुणा करेंगे और 1 होगा तो हम 1 का गुणा करेंगे, 0.25 होगा तो 0.25 का साइड में गुणा करेंगे और मेन स्केल के खाने की जो बांटा गया है उनको हम ऊपर लिखेंगे और बर्नियर स्केल का जो बांटा गया है वो नीचे लिखेंगे। इस तरीके से आप समझोगे तो आप बर्नियर कैलिपर का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 20 का हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 एकम 20 में से 19 चलाया जाएगा तो 1/20 में हम 1 का गुणा करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, 1/20 को 1/20 की वैल्यू आएगी, वो 0.05 mm लिस्ट काउंट आएगा। इस बर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होगी 0.05।
लेकिन जो ऊपर लिखी गई है 0.02 ये कब आएगी, तो उसका मैं बता देता हूं। जब हम मेन स्केल के 49 खानों को वर्नियर स्केल के 50 खानों में बांटे और मेन स्केल के एक खाने का मान रहे 1 mm, तो हमारी 0.02 लिस्ट काउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी वो चेंज करेगा तो हमें अपने सॉल्व करने के तरीकों को भी चेंज कर देना है और सवाल को पूरे को हल करना है। तो इसी तरीके से हमारे कई एग्जामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सीधे 1-19/20 या 1-49/50 लगा देते हैं, वो साइड के जो मेन स्केल का खाना है इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। मान लीजिए इसकी पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया 1-49/50, इससे तो आपका आएगा आंसर, लेकिन साइड में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन स्केल के एक खाने का मान क्या है। यदि आप मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm ना दे करके वो 0.5 mm दे देगा तो आपका सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा, जो अभी के ही एग्जाम में हुआ है NCL का, जो हमारा टेक्निकल का पेपर हुआ था। तो दोस्त इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में माइक्रोमीटर का भी बताऊंगा कि आप कैसे खाने को चेंज करके, थिम्बल के खाने को चेंज करके आप अपना लिस्ट काउंट को रियल लिस्ट काउंट निकाल सकते हो और समझ सकते हैं। तो दोस्त आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर फाइटर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।